शिकारी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु आज शिकारी जाति के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि गुना जिले में लगभग 40 गांव शिकारी जाति के लोगों के आते हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति में न होने के कारण कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में शिकारी जाति के लोग जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आगे की तख्ती हटा दो, हटा दो जी, आगे की आगे की हटा दो, आगे की भाई साहब क्या को पूरी दे रहा मैं क्या। नंबर राम के पास था वो मेरा, राम के पास था, राम भी लेट आया। अच्छा ये है भाई साहब कि आज से पहले हमारी जो जाति थी शिकारी जाति जो अनुसूचित जनजाति में आया करती थी, लेकिन गुना जिले अशोकनगर जिले सीकरी जिले में इसको नहीं जोड़ा गया है। अब जब भी हम जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो हमें जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का नहीं बनाया जाता, जबकि अन्य जिलों में जैसे होशंगाबाद, इटारसी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, पौड़ी, कवर्धा, बिछिया, इन अन्य जिलों में हमारी समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में जोड़ा गया है और मध्य प्रदेश में उनको जाति प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें जो अनुसूचित जनजाति का जो लाभ है वो दिया जा रहा है और हमको वंचित रखा गया है। हमारे 3 जिलों को वंचित रखा गया है जिसमें से गुना, अशोकनगर, सीकरी, और इससे पहले पूर्व में भी हमारे जाति प्रमाण पत्र बनाए गए, कुछ लोगों ने उस आरक्षण में सरपंच ही भी किए, कुछ लोग शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक भी बने हैं, लेकिन आज जो हमारा वर्ग है, आज के वर्ग के लड़के, हमारे जो शिक्षित युवा वर्ग है, आज उनको आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं मिल रही, इसलिए आज हम श्रीमान जलाधीश महोदय को सीएम के नाम एक ज्ञापन। शिकारी समुदाय के गुना में लगभग 40 गांव, तो संख्या की दृष्टि से इनको गुना में अनुसूचित जनजाति वर्ग का लाभ दिया जाना चाहिए, तो बस्तर सहित कुछ जिलों में इनको लाभ मिला है, किंतु गुना में इनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, गुना सोनागर में, तो इसको लेकर ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। अब इनको जो है रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री इनकी जमीनों की इसलिए नहीं होती क्योंकि इनको अनुसूचित जाति वर्ग में माना जाता है, ऐसा प्रमाण पत्र भी अभी अतर सिंह जी के पास था, वो रजिस्ट्रार ने लिख के दिया है। अब जब अगर उनको मान रहे हो तो उसका लाभ क्यों नहीं दे रहा है भाई, उनकी ज़मीन अगर कोई बेचना चाहता है, ये उनने प्रमाण पत्र दिया है, अगर ज़मीन बेचना कोई चाहता है तो आप उस पर अनुसूचित जनजाति की मोहर लगा के बेचने नहीं देते, किंतु प्रमाण पत्र उनका बनता नहीं है, तो इन सब मांगों को लेकर शिकारी समुदाय के लोग अपना ज्ञापन दे रहे हैं।